कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। कमजोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। तो गा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गा लो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। चारों तरफ है आफत मुसीबत, कितनी बुरी है दुनिया की हालत। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। जो हो गए बेजान, डालेगा वो जान। कमज़ोर दिल की ताकत है यीशु, बेआसरों को हिम्मत है यीशु। तो घालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। तो गालो यीशु नाम, बन जाएंगे काम। हालेलुया, यीशु नाम आपके सारे बंधन को खोलने की सामर्थ्य रखता है। यीशु नाम मुझे और आपको लाल समुद्र पार कराने की ताकत रखता है। मेरे अजीजो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यदि आप किसी भी परेशानी में घिरे हुए हैं, यदि आप को लगता है कि आपके सामने सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो फिक्र मत करना, बिल्कुल भी भयभीत ना होना, क्योंकि हर उस कमज़ोर दिल की ताकत यीशु मसीह है। हर उस परेशान टूटे मन की हिम्मत यीशु मसीह है। मैंने माना मुसीबत के बादल आएंगे और आकर चले भी जाएंगे, हम आपसे बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहते हैं कि प्रभु यीशु का नाम जिंदा है। उसके कान आपकी आवाज़ को सुनते हैं। जो आपका मन बोलता है वो उसकी अल्फाजों को समझता है, आपकी हर प्रार्थना को वो सुनता है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजो, मेरे भाइयों, आप अपने सीधे रास्ते पे चलते जाइए। दुनियादारी की गलत बातों को नज़रअंदाज करके, दुनियादारी की तमाम बुरी बातों को ठोकर मारते हुए आप सीधे मार्ग का चयन करिए। देखिए, आपको कोई भी रोक नहीं पाएगा, आपको कोई भी झुका नहीं पाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारे महाग्रंथ बाइबल में, पवित्र बाइबल में लिखा है कि मैं तुझे बेहलिए के जाल से बचा लूँगा। बेहलिए तो आप सब उत्तर भारत के लोग जानते हैं कि बेहलिया किसको कहते हैं। बेहलिया इतना चतुर होता है, इतना एक्सपर्ट होता है, जहाँ भी जाल डालता है ना, परिंदा फंसता ही फंसता है। वो आपको बेहलिए के जाल से बचा लेने की सामर्थ्य रखता है। वो आपको
दुनिया के तमाम भेलियों से बचाने की सामर्थ्य रखता है, चाहे वो भेलिया आपका मर्ज हो, आपका कर्ज हो, आपका दर्द हो, आपका कोई भी बंधन क्यों ना हो, उसे हर भेलिए का इलाज करना आता है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मैं बहुत साधारण सा इंसान हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ समझ लो, लेकिन जिसके नाम से मैं चलता हूँ ना, जिसके नाम से आपके सामने खड़ा होके ये प्रार्थना करता हूँ ना, वो इतना महान है उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। वो आंधी को भी थामने की ताकत रखता है, वो बारिश को रोकने की ताकत रखता है, वो जहाँ अकाल पड़ा हुआ है वहाँ पर बारिश लाने की ताकत रखता है। मेरे दोस्तों, आपको उस विधवा और उसके बेटे की कहानी तो पता ही होगी, जिन्होंने कहा था कि हमारे पास सिर्फ एक मुट्ठी आटा है और इसको खाकर आज हम मर जाएंगे माँ बेटे। खुदा के जन ने कहा कि तू मुझे रोटी बना के तो दे, मुझ जैसा छोटा सा गरीब इंसान था वो, मुझ जैसा साधारण सा इंसान था वो। उसने उन लोगों के लिए प्रार्थना करी, उसने उस परिवार में बीच में बैठ करके उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करी, परमात्मा से कहा कि प्रभु इनके सारे बंधन खोल दे, प्रभु इनके सारे के सारे रास्ते बना दे। आपको बताऊं, 3.5 साल तक उस जहाँ पे वो रहते थे अकाल पड़ा और बारिश नहीं आई और उनकी मटकी का आटा खत्म नहीं हुआ, उनकी कुप्पी का तेल खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उस पर आशीष परमेश्वर की थी। वही आशीष आज मैं आपके लिए आपके नाम से लेना चाहता हूँ, चाहे आपका कुछ भी नाम हो, राम हो, श्याम हो, जो भी नाम हो, प्रभु आपके हर बंधन को खोलेगा, प्रभु आपकी मटकी कभी खाली होने नहीं देगा। ऐसी मैं आशीष आज आपके लिए करता हूँ। आपका बैलेंस, बैंक बैलेंस कभी जीरो नहीं होगा, प्रभु आपके हर एक सपनों को साकार करेगा। सिर्फ आपको अपने आप को छोटा बनाना होगा, क्योंकि जो छोटा बनता है, जो दीन बनता है, जो साधारण बनता है, प्रभु उसको बहुत आसमान की ऊंचाइयों पर लेके चला जाता है, प्रभु उसको बहुत आशीष देता है। क्या आप, मैं आपसे ही कह रहा हूँ, सुन रहे हैं ना, क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे, क्या आप मुझ जैसे साधारण से इंसान की प्रार्थना को ग्रहण करेंगे? देखना, आपके पास सब कुछ होगा। सबसे बड़ी प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आपके मन की शांति को भर दे, प्रभु आपके अन्न और जल को, प्रभु आपके खजाने को भर दे। जहाँ पर भी आप काम करने जाते हैं, उस जगह पर आशीष मिले आपको, वहाँ के लोग, वहाँ के कर्मचारी, आपके सहकर्मी आपको आँखों में बसाएं। मैं आपको बताऊं, मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा सा इंसान हूँ, लेकिन जब मैं ऑफिस नहीं जाता तो लोगों को मेरी कमी महसूस होती है। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, वो कहते हैं आप, और आपको पता है कि ये वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम का सिलसिला चल रहा है, मैं चाहूँ तो रोज़ छुट्टी कर सकता हूँ,
लेकिन मैं उनके प्यार के वजह से, मैं उनकी मोहब्बत के वजह से, उनके उम्मीद की वजह से मैं मुझे वापस जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे संग मेरा परमेश्वर होता है। मैं आपको वो आशीष देना चाहता हूँ, मैं आपको वो बरकत देना चाहता हूँ, मैं आपको वो प्रभु का नाम देना चाहता हूँ जो हर उस कमज़ोर दिल को ताकत देगा, वो हर उस बीमार दिल को स्वस्थ करेगा। वो नाम यीशु नाम है, बहुत छोटा सा नाम है, यीशु नाम। यदि उस नाम की आपने पावर देख ली ना, तो आप कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, आप कभी जीवन में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। विश्वास करके अगर व्यवस्था विवरण 28 और उसका 12 पढ़ लिया ना, साफ साफ लिखा है, मैंने नहीं लिखा, वो उसमें लिखा है, मैं तुझे इतनी आशीष दूंगा, इतना फलवंत करूंगा, तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा, वरन जितनी जातियां इस धरती पर है उन सबको तू उधार देगा। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज का सवेरा आपके लिए आशीषित हो, आज का दिन आपके लिए आशीषित हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। जाओ जग के लोगों, यीशु राजा बुलाता है। यीशु राजा आज आपके, यीशु राजा आज आपके हर बंधन खोलने के लिए तैयार है। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह।